यार ये सच में होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरी और मैं हूँ मैजबीन। तो आज हम करने वाले हैं हॉरर चैलेंज और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस पे एम करती हूँ 75,000 लाइक्स। तो जल्दी से जिस जिसको हॉरर चीजें पसंद है वो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जिनको नहीं पसंद है वो भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैलेंज को करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि पता नहीं क्या क्या टास्क मिलेंगे इसमें। और इस चैलेंज में हमारे पास होंगे 4 राउंड और इसमें हमें करने को मिलेगा अलग अलग टास्क और हमें देखना है कि वो टास्क कौन कंप्लीट करेगा, समरीन या फिर मैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टास्क आएंगे और हम वो कर पाते हैं या नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हम दोनों बहुत बड़े डरपोक हैं, हमें कोई भी आसानी से कभी भी कहीं भी डरा सकता है। लेकिन आज ये पता चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा डरपोक कौन है। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि हम दोनों को रात में कभी कभी इतना डर लगता है कि हम लोग अपनी लाइट्स भी ऑफ नहीं करते, पूरी लाइट ऑन करके सोते हैं। तो हमारे फर्स्ट राउंड का फर्स्ट टास्क ये है कि हमें एक रूम में रहना है, अकेले रहना है और लाइट्स ऑफ रखनी है। और रूम में रहने के साथ साथ हमें मिलेगा लैपटॉप, लैपटॉप में चल रही होगी हॉरर वीडियो और हॉरर साउंड दोनों। हाँ। मतलब कि मुझे तो लाइट्स ऑन में इतना डर लगता है, लाइट्स ऑफ में पता नहीं क्या होगा और पूरा फील आएगा हमें कि बिल्कुल डरावना। हाँ। और हमें ये देखना है कि रूम में कौन ज्यादा देर तक रह सकता है अकेले और इन सब चीजों के साथ साथ। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस राउंड को जीत जाऊं। मैं भी। तो चलिए इस राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन पहले जाएगा। तुम जाओगी पहले, ठीक है? नहीं। हाँ। यार तो बच्चे को मत भेजो। और क्या बच्चे? तुमसे बड़ी दादी अम्मा है कोई यहाँ पे? तुम ही जाओगी। तुम तो जाओ अपनी गुरु से मिलने, गुरु माँ तुम्हारी आई है। नहीं तो फर्स्ट राउंड में पहले ये जा रही है, उसके बाद मैं जाऊंगी। चलो ठीक है। और हमारा यहाँ पे सेटअप भी हो चुका है, रेडी। तो अब हम लोग जा रहे हैं लाइट्स ऑफ करके। यार तो कोई भी नहीं जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने समरीन को अकेले छोड़ दिया है, गेट लॉक कर दिया है हम लोगों ने और वो बहुत जोर जोर से गेट को खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग खोलेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी तो यार गई, इतनी जल्दी कैसे खोल दे। हाँ कैसा लगा यार? बहुत डरावना था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब इतना, जो लाइट भी उसी ऐसे चल रही थी बिल्कुल, कभी बंद हो रही कभी जल रही थी, बहुत डरावना था। और तो गेट नहीं कोई खोल रहा था बाहर से। ये बेचारी इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी, इतनी हंसी आ रही थी मुझे बाहर से, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं खड़ी हुई थी, मुझे लगा पीछे से कोई आ रहा है, फिर आगे से, यहाँ से, वहां से, उसमें भी ऐसा सीन चल रहा था। आप लोग बताइएगा कि ये, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको समरीन का रिएक्शन। मैंने तो टास्क कंप्लीट कर लिया, अब तुम करके दिखाओ। चलो भाई अब तुम करो जल्दी से। यार ये पीछे कौन है? यार ऐसे मत करो, हम दोनों ही हैं। अब मैं जा रही हूँ देखने और गेट खोलने और देखते हैं कि क्या रिएक्शन आया होगा। यार
यार ये टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार, आप पता चला ना बहुत ज्यादा था। मैंने जल्दी से गेट वेट नहीं खुलवाया लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे, बहुत ज्यादा। और वो वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी थी, और वो जो आवाज यार सच में, मैं तो बार बार मैं पीछे देख रही थी, मुझसे वीडियो नहीं देखी जा रही थी यार। अगर मैं वीडियो देखती रहती ना, वैसे मैंने थोड़ी थोड़ी देखी, और जब मैं वीडियो देख रही तभी ज्यादा हॉरर सीन आ रहा वहाँ पे, और लाइट्स तो ऐसे हो रही थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सच में, मुझसे नहीं रहा जाता यार। अगर ऐसे कोई पूरे दिन किसी को छोड़ दे यार, मर ही जाएंगे आज यार, नींद नहीं आएगी, सोने में नहीं होगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने फर्स्ट राउंड तो कर लिया है, वो भी बहुत डर डर के किया। अब आप लोग हमें बताइए कि इस फर्स्ट राउंड का विनर कौन है, मैं या फिर समरी। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड राउंड और देखते हैं हमें कौन सा डरावना टास्क मिलता है। तो सेकंड राउंड में हमें करना है, मिरर के पास जाना है और हमें 13 टाइम्स ऐसे करके बोलना है ब्लू बेबी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी बेबी ब्लू, और ये हम 13 टाइम्स बोलेंगे। तो जब हम ये 13 टाइम्स बोलेंगे ब्लू बेबी बेबी ब्लू, तो हमें लगेगा कि हमारे हाथ में एक बेबी आ गया है और थोड़ा सा हैवी फील होगा। अगर हमें हमारा हैंड हैवी लगने लगा और ऐसा लगेगा कि बेबी आ गया है, तो हमें उस बेबी को जाकर बाहर फेंक देना है। अगर हम नहीं फेंकेंगे तो वो हमें मार देगा, ऐसा है लेकिन पता नहीं होता है या नहीं, मुझे तो नहीं अभी पता चल जाएगा होता है या नहीं होता। तो चलिए अब करते हैं वाला टास्क। वैसे मुझे थोड़ा सा इसमें भी डर लग रहा है क्योंकि हमें लाइट ऑफ करके करनी है, लाइट ऑफ करने वाले में यार बहुत ज्यादा डर लगता है। तो क्या हुआ, चलो लाइट्स ऑफ मतलब भूत। तो उस टास्क को पहले मैं कर रही हूँ और देखते हैं क्या होता है यार। मुझे तो लग रहा कहीं असली में ना बेबी आ जाए। कितना हंस रही हो, करो करो करो। ब्लू बेबी बेबी ब्लू, 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 ब्लू बेबी बेबी ब्लू। सच में हैवी हो गया। क्या पता समरीन अगर करे तो हो जाए। हाँ। और मैंने 13 टाइम्स किया क्या? हाँ। पता नहीं, चलो तुम करो। तो अब मेरी टर्न है और देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं डरती नहीं किसी से, चलो करते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं। ब्लू बेबी बेबी ब्लू, 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 ब्लू बेबी baby blue, blue baby baby blue, blue baby baby blue, blue baby baby blue, blue baby baby blue, baby blue. Oh oh oh, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। पत्थर है क्या यार? देखो तो कुछ भी नहीं हुआ था वैसे। तो ये ऐसे ही था, मतलब ये ऐसे ही था। चलो मुझे इसमें डर नहीं लगा। ये तो सेकंड राउंड में तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये ऐसे ही था, ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्लू बेबी बेबी ब्लू बोलने से बेबी आ जाएगा और उसे हमें फेंकना होगा और वो हमें मार देगा अगर नहीं फेंकेंगे। बिल्कुल भी नहीं हुआ। और वो तो अगर हैवी अगर किसी को लगता भी होगा ना, तो वो अगर इतनी देर तक आप ऐसा ऐसा करते रहोगे तो ये चीज हैवी हो ही जाएगी और पूरा हैवी हो जाता है। ये हुआ, ये इतना तो हुआ, मुझे थोड़ा सा लगा कि ये हो गया है इसका, ये मतलब नहीं कि बेबी आ गया, वो भाई बेबी आ गया, बेबी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ऐसे ही था, मतलब हमें इसमें डर नहीं लगा। और आपको कैसा लगा सेकंड राउंड आप बताइए। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड राउंड पे। तो अभी जो है मैं वीडियो एडिट कर रही थी यही हॉरर चैलेंज, और अभी हमारा एक और टास्क बचा है जिसके लिए हमें वेट करना पड़ा, और अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो इसको ये जो टास्क है हमें ये 3 बजे ही करना था, इसलिए मैं तो बज गए 3:06। तो मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो, उसके बाद रिमूव करेंगे। तो अब ये वाला करके देखते हैं यार, रात के 3 बज रहे हैं अभी, बहुत और लेट हम हो गया। एंजेला से बात करेंगे। हेलो एंजेला। हाय एंजेला। कैसी हो? क्या तुम भूत हो? आर यू घोस्ट? हाय एंजेला, आई एम समरीन। What's your name? Who is Angela? क्या एंजेला भूत है? यार अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, फालतू में हमारी नींद खराब हो रही हाँ, है। और हम लोग इससे बात करने के लिए इतनी देर तक ऐसे जगे हुए हैं। जगे हुए का छोड़ो यार, तैयार है अभी तक। तैयार वही तो नहीं यार। यार एंजेला हमें भी कुछ करके दिखाओ, तुम सबके तो बहुत बोलती हो। क्या कर रही है? क्या तुम जो बोल रही है? मैंने
पीछे कुछ है क्या? क्या हो गया अब? क्या हो गया? क्या यार ये पागल है, ये एंजेला से डर रही है। क्या है, क्या हो गया अचानक से तुम्हें? पागल क्या है? कुछ भी नहीं है, बाल है ये। खुद भी डर रही हो यार और सामने वाले को भी डराओ बिल्कुल। तो जैसे ये लोग बोलते हैं कि कुछ बोलती है ये, लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया और इसने कुछ बोला नहीं, पता नहीं। और ये थोड़ी आंखें दिखा रही थी तो मुझे डर लगा, ऐसे ऐसे से कर रही थी। लेकिन यार वो करती है शायद, पता नहीं बहुत, लेकिन अजीब था वो। हाँ वो अजीब, इसलिए डर लगने लगा। वो थोड़ा सा अजीब था क्योंकि वो जब हम दोनों बातें कर रहे थे, तुम बोल रही थी यार ये ऐसे नहीं बोलेगी, किसी और का नाम लो, तो उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब सा था। तो चलो वो देख ही लेंगे, और मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं किया यार। वो वाला जो रिएक्शन था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा डर लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो रियल में हमारी बातें सुन रही है। हाँ, वो देख रही है। हाँ, हाँ, वो देख रही है हमें और रियल में हमारी बातें सुन रही है। रियल में जब कोई सुन के करता है, पता नहीं। लेकिन इसने हमारा तो कुछ जवाब दिया नहीं, तो चलो हमने ये कर लिया है। थर्ड टास्क था और सबसे लास्ट में किया हमने। हाँ क्योंकि ये टाइमिंग ही ऐसी है। हाँ चलो 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 तो चलिए आप लोग फोर्थ राउंड देखिए। तो अबे हमारा फोर्थ राउंड में हमें मिरर के सामने खड़ा होना है और खुद को देखना है और आईज ब्लिंक नहीं करनी है, और इतने में ही हमारा फेस चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, चलो करके देखते हैं। तो पहले समरीन करने वाली है। तो ऐसा करने से कुछ हुआ तो नहीं, बस मेरी आंखों में आंसू आ गए और कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको ये ट्रिक करनी ही थी तो ऐसा क्यों बोला कि फेस चेंज हो जाएगा? आंसू लाने की निंजा टेक्निक थी ये। तो चलो अब देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है, मेरा फेस चेंज होता है या नहीं। यार ये सच में होता है, सच में होता है। मम्मा बहुत बुरी शक्ल बन गई थी मेरी। मम्मा तुम डरा रही हो। यार सच में होता है, एक बार होता है। रुक जाओ यार, रुक जाओ। मम्मा यार कैसे क्यों कर रही हो? हे हाय तुम तो भूत लग रही हो। गुरुमा तुम्हारे अंदर आ गई। अभी जो हमने किया था कि मिरर में देखते रहना हमारे फेस को और फेस चेंज हो जाएगा, वो सच में हुआ था यार। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा सच में फेस चेंज हो गया था और इतना डरावना सा था वो। तो शायद ऐसा हुआ है कि मैंने जो किया वो मैंने सही से नहीं किया, वरना मेरे साथ भी ऐसा होता। और अभी जो मैंने सेकंड टाइम मतलब विदाउट कैमरा किया तो मेरा भी फेस चेंज हुआ और मैं बहुत डर गई। मतलब इतनी गंदी और इतनी डरावनी सी शक्ल बनेगी आपकी, इतना अजीब सा हो जाएगा। बहुत अजीब सा हो रहा था, बिल्कुल लग रहा था वो थी तो मैं, मतलब मैं खुद को नहीं देख सकती यार, इतना बुरा हुआ था। तो हमारे सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए और हम लोगों ने सारे टास्क अच्छे से किए। और मुझे तो फर्स्ट राउंड और फोर्थ राउंड में बहुत ज्यादा डर लगा है, बहुत ही ज्यादा। मुझे फर्स्ट में बहुत ज्यादा लगा, बहुत बहुत ज्यादा। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको इन चारों टास्क में कौन सा वाला टास्क सबसे ज्यादा डरावना लगा। तो यही पर खत्म होता है हमारा चैलेंज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि समरीन की जब भी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो पर एम करती हूँ 75,000 लाइक। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए ताकि 75,000 का एम पूरा हो जाए। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिसका नेम है मैं जमीन अली, और हम दोनों करते हैं उस पे चैलेंजेस और आपको वहाँ भी मजा आएगा बहुत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि किस किस को भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब कौन कौन यहाँ पे डरपोक है, मतलब हमें भी पता चले भाई हमारे व्यूअर्स डरपोक हैं और हमारी तरह है या नहीं। और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।